सो हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं हम यहाँ पर 3 चैनल का एक डीजे मिक्सर जो आता है प्रोटच कंपनी की तरफ से। इस मिक्सर की अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका प्राइस बताएंगे और इसकी सारी डिटेल्स होने वाली इस वीडियो में। दोस्तों, अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो के लिए लाइक कर दें और ज़्यादा देर नहीं करते हुए चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ और देखते हैं हमारा मिक्सर किस प्रकार का होने वाला है। सो दोस्तों, ये है हमारा एक प्रोटच डीएम 626 यूएसपी डीजे मिक्सर होने वाला है और 3 चैनल का डीजे मिक्सर है ये विद यूएसबी प्लेयर के साथ में हमारे लिए एक देखने के लिए मिलता है और साथ में इसके ब्लूटूथ यूएसबी ये डीएम 626 यूएसबी ये इसका मॉडल नंबर आ जाता है। दोस्तों, न्यू डीजे मिक्सर यहाँ पर भी इसका मॉडल नंबर दिया गया है और यहाँ पर कुछ इसकी बेसिक डिटेल्स दी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी, जैसे कि ये पीक हो गया, गेन हो गया, बेस हो गया, मिड हो गई, ट्रबल हो गया, मास्टर एल, मास्टर आर, हाई बेस के लिए भी और हेडफोन और 3 चैनल डीजे मिक्सर, 3 लाइन एंड 1 माइक्रोफोन इनपुट, ये इसकी कुछ डिटेल्स आ जाती है। और मेड इन इंडिया ये होने वाला है प्रोडक्ट, इंडिया की तरफ से है, बहुत ही खास प्रोडक्ट होने वाला है। दोस्तों, चलते हैं इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ के लिए इसके हमने टेप छुटा लिया है और इस प्रकार से हम कुछ पैकिंग इस प्रकार से देखने के लिए मिलती है। ये पैकिंग होने वाली है, इसको हम निकालते हैं बॉक्स से बाहर। सो गाइस, ये हमने इसके लिए बॉक्स से बाहर निकाल लिया है, ये हमारा मिक्सर आ जाता है कुछ इस प्रकार से। ये होने वाला है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये प्रोटच कंपनी की तरफ से है ऑडियो डीजे मिक्सर। ऑन ऑफ का यहाँ पर एक ये स्विच बटन दिया हुआ है और यहाँ पर ये माइक के लिए XLR पिन का यूज किया गया है। यहाँ पर ये डिजिटल प्लेयर भी आपके लिए देखने के लिए मिलता होगा, ये इसकी डिस्प्ले आ जाती है। यहाँ पर आप अपना कोई भी SD कार्ड लगा सकते हैं और यहाँ पर ये सारी डिटेल्स जो इसकी प्लेयर कार्ड की डिटेल्स है वो यहाँ पर दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अदर्स काफ़ी आपके लिए वॉल्यूम देखने के लिए मिलते होंगे जो स्विच दिए हुए हैं। ये USB एंड ब्लूटूथ की तरफ सब कुछ इसमें दिया हुआ है और आप यहाँ पर देख सकते हैं चैनल नंबर 1 हो गया इसका, ये चैनल नंबर 2 हो गया और ये चैनल नंबर 3 हो गया। यहाँ पर ये क्रॉस फाइडर भी है, इसके लिए आप इधर के लिए या इधर के लिए कर सकते हैं जिस साइड आपके लिए पीएल करना हो। यहाँ पर एक ये हेडफोन के लिए भी स्विच देखने के लिए मिलता होगा, हाई बेस का अदर एक वॉल्यूम देखने के लिए मिला है। यहाँ पर ये हेडफोन का वॉल्यूम है, मास्टर आर, मास्टर एल और यहाँ पर तीनों चैनल के लिए अलग अलग नॉबें दी हुई हैं जिससे आप इसकी सेटिंग्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये इसका गेन का वॉल्यूम आ जाता है, बेस, मिड, ट्रबल। प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। प्राइस की बात करेंगे दोस्तों, ये हमारे लिए अपने इंडियन मार्केट में 3500 से 4000 के बीच में देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसके लिए बाय करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नहीं तो अपनी नज़दीकी मार्केट से भी जाकर संपर्क कर सकते हैं। और साथ में हमारे लिए एक ये देखने की मिला है रिमोट कंट्रोल जो हमारा ये डिजिटल बोर्ड में काम करेगा। आइए हम इसके लिए पावर देते हैं और देखते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स। दोस्तों, हमने इसके लिए पावर ऑन कर दिया है, ये यहाँ पर आप इसकी डिजिटल बोर्ड में देख सकते हैं लाइन इन आ गया है और आप इसके थ्रू, जैसे कि यहाँ पर आप मोड का बटन देखते होंगे, इसके थ्रू आप इसके लिए चेंज कर सकते हैं। जैसे कि ये हो गया, ये हमारा ब्लूटूथ के लिए हो गया, ये हमारा FM हो गया, ये लाइन इन हो गया। दोस्तों, आप इसके लिए किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा मिक्सर है, मैं DJ में इसके लिए यूज़ भी कर रहा हूँ और ये हमारी चैनल्स के लीड वाले स्विच आ जाते हैं। यहाँ पर CD वाले लीड का प्रयोग किया जाता है, ये चैनल 1, चैनल 2, चैनल 3 के लिए कुछ इस प्रकार से देखने के मिलेंगे और यहाँ पर जैक टू जैक पिन का यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप
टू जैक पिन के थ्रू भी अपने एम्पलीफायर के लिए कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो सीडी पिन के थ्रू, यहाँ पर चार सॉकेट दिए हुए हैं जहाँ सीडी के थ्रू आप इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं। आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो और रिव्यू पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल की सब्सक्राइब कर दें, वीडियो के लिए लाइक कर दें। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।